Ladies and gentlemen, welcome and welcome back to my channel Mission Glam. So may I have your attention please? मैं शेयर कर रही हूँ पर्पल का हॉल आपके साथ. सो मैंने बहुत सारा चीज़ तो परचेज नहीं किया है, बस थोड़ी सी चीज़ें थी सो वो मैं शेयर कर रही हूँ. सो दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज टब. माई गॉड यार, इतना बड़ा टब. 500 ml इसकी क्वांटिटी है, 390 rupees इसकी MRP है और 25 तक मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ. जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम ये है. यू नो समर्स तो चल रहे हैं, बट रात में सोते वक्त कुछ ऐसा ना मुझे थिक क्रीम सा लगता है कि यार बॉडी में अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हाथों में और पैरों में, हाथ और पैर एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर मांगते हैं, तो उस टाइम पे मुझे ये चाहिए होता है. तो मैंने इस टाइम इतना बड़ा ले लिया, छोटे छोटू से आते हैं ना वो, तो मैंने इतना बड़ा ले लिया. मैंने कहा चलो यार ठीक है. नेक्स्ट है, दिस इज़ माय थर्ड बॉटल और इसका रिव्यू भी मैं शेयर करने वाली हूँ, शायद इसके बाद वाला वीडियो जाएगा. दिस इज़ अ जॉय हनी एंड आलमंड बॉडी ऑयल विटामिन ई और ये सनस्क्रीन का काम भी आपका करता है. 200 ml ऑफ इसकी क्वान्टिटी है, 225 rupees इसकी कॉस्ट है. कभी कभी ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है, बट ऑलमोस्ट ये डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल होता ही है. जॉय के प्रोडक्ट की मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, चल रही हूँ रिसेंटली, तो आपको पता ही है मैं बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करती हूँ. नेक्स्ट है, दिस इज लॉरियल ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम. इसका फुल डिटेल रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ, देखती हूँ कब कर पाती हूँ. मेरे सीरम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे और ग्लाइकोलिक भी ऑयली स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस ग्लाइकोलिक एसिड. सो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती अभी, क्योंकि मैंने इसे अभी तक अप्लाई भी नहीं किया हुआ है. सो मैं थोड़ा सा रिजल्ट इसका देखूंगी, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करूंगी. नेक्स्ट है दिस प्रोडक्ट, ये है इस वीडियो का, इस हॉल का यू नो शो स्टॉपर. 1-1 का 24 hour लॉन्ग लास्टिंग स्टे वाटर प्रूफ आई लाइनर 5 ml ऑफ क्वान्टिटी इसमें आपको मिल जाती है. 249 rupees इसकी कॉस्ट है, बट ये ऑन डिस्काउंट मुझे 89 या समथिंग इसका कुछ पड़ा था यार, बहुत डिस्काउंट चल रहा था इस पर. मैंने कहा जस्ट ट्राई करती हूँ, ट्राई कर लेते हैं. 23 में ये बना हुआ है, 26 तक मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ. यू नो मैंने आपसे कहा है कई बार कि मुझे नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है. नए नए प्रोडक्ट में ज़्यादा रिस्क उनमें लेती हूँ जो सस्ते होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, जिसमें लगेगी चल यार ठीक है ट्राई किया तो देखते हैं. बट बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, तो उन्हीं में से एक ये है. मैंने ग्रीन शेड इसमें लिया हुआ है, मैंने और भी इसे मैं बाय करूँगी. आप देख सकते हो छोटू सी बॉटल है. सच बताऊँ तो मैं इसी तरीके की चीज़ों को बाय करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा यूज़ तो किया नहीं जाता है. नेल पेंट भी ना मुझे लगता है इतू सी आनी चाहिए, जो बस यूज़ करो आप एंड दैट्स इट, चीज़ें सूख जाती हैं. और मैं इसकी बात करूँ, ओ माई गुडनेस बात इसके, हाथ इसमें थोड़ा सा शीन आपको मिल जाता है, मैट फिनिश नहीं है ये, हल्के हल्के से चंकी पार्टिकल्स मिल जाते हैं, बट बहुत अच्छा ग्रीन है ये, मुझे बहुत पसंद आया. बहुत अच्छा ग्रीन है ये, मुझे पसंद आया और अभी मैं इसे अप्लाई भी करने वाली हूँ, वो अभी मैं आपको दिखाऊँगी. और वाटर प्रूफ है यार ये, सच में वाटर प्रूफ है. मैंने जब इसे टेस्ट किया था हाथ में, उसके बाद मैंने कितने सारे, मतलब मैंने पानी के का कितना सारा काम किया, बट ये टस से मस नहीं हुआ, तो मुझे बहुत पसंद आया. नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास लैक्मे की ल्यूमी क्रीम, ये बहुत ट्रेंड में है आजकल और मुझे बहुत पसंद है. मैंने इसका फुल डिटेल रिव्यू भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो. ये एक तरीके की टिंटेड मॉइस्चराइज़र है, आप इसे मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो डेली यूज़ में, फाउंडेशन के साथ मिक्स कर सकते हो, बीबी क्रीम के साथ मिक्स कर सकते हो, सनस्क्रीन के साथ मिक्स कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आता है. नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास पॉन्ड्स का बीबी क्रीम. इस टाइम मैंने बड़ा वाला ट्यूब लिया हुआ है, 279 समथिंग इसकी MRP थी, बट मुझे ऑन डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल गया था. मेरा इसमें शेड है आइवरी, मुझे सही लगता है. पंप पैकेजिंग है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है और मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था. आई थिंक 175 या समथिंग रुपीज़ में या 150 में ऐसे मुझे मिला हुआ था. बहुत अच्छा शेड है ये, आप इसे ट्राई कर सकते हो. इस टाइम मैंने बड़ा लिया, वरना मैं और टाइम पे छोटू वाला जो आता है वही लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करती.
सो आई होप आपको पसंद आया हो। सो आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।